नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इन खबर में। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। देश में इन दिनों बारिश का कहर जारी है। देश के कई सारे राज्यों में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कई सारे वीडियो और फोटो आपने देखे होंगे जहां पर बाढ़ और बारिश के कारण भूस्खलन जैसी समस्याएं जो है घटनाएं आप सभी के सामने हैं। लेकिन अब उत्तराखंड की चमोली से एक वीडियो सामने आया है जहां पर बच्चे जो हैं जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को बेबस हैं, लेकिन वो स्कूल जाना नहीं छोड़ रहे हैं और अपनी जान को मुश्किल में डालते हुए भी वो स्कूल जा रहे हैं। जोखिम भरा ये वीडियो एक बार आप जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बच्चे किस तरह अपनी जान का जोखिम लेकर स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण कई सारे रास्ते टूट चुके हैं, कई सारी पुल टूटे हैं, जिसके कारण अब तक बच्चे जो है अपनी जान को मुश्किल में डालकर आगे बढ़ रहे हैं, स्कूल जाने को बेबस हैं। देश के कई सारे राज्यों में इस तरह के हालात हैं, ना कि उत्तराखंड के चमोली में। लेकिन उत्तराखंड के चमोली से जो ये वीडियो आया है, ये कई तरह से हमारे सामने एक मिसाल पेश करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रबंधन के कार्यों की भी समीक्षा ये करता है कि प्रबंधन किस तरह से बच्चों को राहत नहीं पहुंचा पा रहा है। कई सारे लोगों को अभी तक बाढ़ और भूस्खलन के कारण राहत नहीं पहुंचाई गई है। चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर उत्तराखंड हो, राजस्थान के श्रीगंगानगर से भी आज तस्वीरें आई, महाराष्ट्र के नासिक से और भी कई सारी जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बाढ़ और भूस्खलन का कहर जारी है। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जहां उत्तराखंड के चमोली से ये वीडियो सामने आए, जिसके बाद कई सारी क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें बताएं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम अपडेट सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।